राज्य के पशुपालन विभाग की ओर से पशुपालकों के लिए एक बार फिर से मिशन रिस्क मैनेजमेंट योजना के तहत पशुधन बीमा योजना शुरू की गई है। योजना के तहत राज्य के पशुपालक अपनी गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़ा, सुअर, गधे जो भी है उनका बीमा करवा पाएंगे। राज्य के पशु चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जावेद हुसैन ने यह बताया है कि पूर्व में भी पशुपालकों के लिए पशुधन बीमा योजना चलाई गई थी, लेकिन वह किसी कारणवश बंद कर दी गई। अब राज्य सरकार के निर्देश पर पशुपालन विभाग की ओर से ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के मार्फत मिशन रिस्क मैनेजमेंट योजना के तहत एक बार फिर से पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की गई है। योजना के तहत पशुपालक अपने पालतू पशु जो हैं गाय, भैंस, घोड़ा, ऊंट, बकरी, सुअर या गधा इनका बीमा करवा सकते हैं। डॉक्टर हुसैन ने बताया कि योजना के तहत पशुपालकों के पशुओं का बीमा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से बीमा होगा। योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से बीमा राशि में अनुदान दिया जाएगा, जिसके तहत सामान्य वर्ग के पशुपालकों के लिए प्रीमियम राशि में 50% और एससी एसटी वर्ग के पशुपालकों को 70% राशि का अनुदान दिया जाएगा। डॉक्टर जावेद हुसैन ने बताया कि योजना के तहत नोडल केंद्रों को 125 पशु हेड यूनिट और जिला स्तर पर 2000 पशु हेड यूनिट का लक्ष्य दिया गया है। डॉक्टर हुसैन ने नोडल के सभी पशुपालकों से आग्रह किया है कि वे अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय पर जाकर अपना नाम, पता, पशु की जानकारी और संपर्क जो नंबर है वो दर्ज करवाएं, ताकि बीमा कंपनी एजेंट के आने पर सूचित कर पशु का बीमा किया जा सकेगा। पहले पूर्व में भी 2-3 साल पहले ये भामाशाह पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत ये योजना चलाई जा रही थी। इस योजना के अंतर्गत जितने भी पालतू पशु हैं उन सभी का ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा बीमा किया जाएगा। उसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, गधा, घोड़ा, सुअर इन तमाम जितने भी पशु हैं इनका बीमा किया जाएगा। और हमारे जो नोडल को जो टारगेट दिए गए वो 125 हेड यूनिट का हमें टारगेट दिया गया और पूरे ज़िले को 2000 यूनिट का टारगेट दिया गया। इसमें एक पशु मालिक अपने मैक्सिमम 5 कैटल हेड का जो है बीमा करा सकता है, यानी कि अगर उसमें 5 गाय है तो 5 गाय का इस बीमा के योजना के अंतर्गत अपना बीमा करा सकता है। एक बीमे के लिए जो प्रीमियम राशि है उसमें जो सामान्य वर्ग के लोग हैं पशुपालक हैं उनको 50% अनुदान दिया जाएगा प्रीमियम पर, और जो एससी एसटी के जो पशुपालक हैं उनको 70% अनुदान दिया जाएगा। यानी यदि अगर किसी गाय या भैंस के बीमा राशि अगर 1000 रुपये आती है तो सामान्य वर्ग के पशुपालकों को उसमें 500 रुपये देने पड़ेंगे, और जो एससी एसटी के जो पशुपालक हैं उनको सिर्फ 300 रुपये उसके लिए अदा करेंगे, बाकी जो राशि जो है वो राज्य सरकार वहन करेगी। तो मेरा सभी पशुपालक भाइयों से अनुरोध है कि आप पशु अपने नज़दीकी पशु चिकित्सा केंद्र या पशु चिकित्सालय पर संपर्क करें और अपने पशुओं का बीमा कराएँ और अपने नाम, पता ये नोट कराएं, ताकि हम जब भी बीमा एजेंट आएगा तो हम आपको सूचित करेंगे, आपके पशुओं का बीमा किया जाएगा।